Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है रिमेम्बर मी। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लेडी के साथ जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड फील कर रही थी। नींद से जागने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है, यह घर किसका है, इवन उसे तो अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। ऊपर से वो अपने लेग्स को भी फील नहीं कर पा रही थी। बिस्तर से उठने जाती है तो गिर जाती है। उसे एहसास होता है उसके लेग्स पैरालाइज्ड है। हेल्पलेसली ज़मीन पर पड़ी रहती है बेचारी, चिल्ला चिल्ला कर मदद बुलाती है। शायद उसके आवाज़ से ही एक लेडी आकर हाजिर होती है उसके सामने, बहुत ही प्यार से उसे संभालती है, फिर से बिस्तर पर सुला देती है। कहती है इस लड़की का नाम रोज़ है और वो उसकी माँ है डोरीन। रोज़ का एक एक्सीडेंट हुआ था करीबन 2 महीने पहले, तब से वो कोमा में थी। डोरीन खुद एक डॉक्टर है इसलिए उन्होंने रोज़ को घर पर रखना ही ठीक समझा, यह सोचकर कि जब उसका सेंस लौट आएगा तब फेमिलियर सराउंडिंग्स में रहने से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। रोज़ जब उनसे कहती है उसे कुछ याद नहीं आ रहा, उसकी माँ हैरान नहीं होती। असल में रोज़ का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उसके लेग्स के साथ साथ थोड़ा बहुत ब्रेन इंजरी भी हुई थी। ऐसे में टेम्पररी मेमोरी लॉस तो आम बात है, लेकिन उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे उसे सब याद आ जाएगा, उसकी माँ है ना उसके साथ। उनके बातों से रोज़ शांत तो हो जाती है मगर कम्प्लीटली टेंशन फ्री नहीं हो पाती। पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब लग रहा था, इस लेडी के प्रति वो कोई मदरली अटैचमेंट फील क्यों नहीं कर पा रही। ये उसका घर है तो कुछ भी पहचाना सा क्यों नहीं लग रहा उसे। हाँ ये अलग बात है कि वो खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। ऐसे में डोरीन के बातों पर भरोसा करने के सिवा उसके पास और चारा ही क्या है। रात होते ही उसे खाना खिलाकर दवाई देकर डोरीन निकल जाती है, साथ में एक पेन किलर इंजेक्शन भी लगाती है, जबकि रोज़ को कहीं कोई दर्द नहीं हो रहा था। और देर रात एक हादसा होता है, एक आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है। उसे फील होता है कमरे में कोई है, वो आवाज़ भी लगाती है मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। और फिर अचानक से ही कहीं से डोरीन आ जाती है। वो अंधेरे में बेड के कॉर्नर पे बैठी थी बहुत ही क्रीपी तरीके से। जब रोज़ उन्हें बुलाती है वो कोई जवाब दिए बिना ही भाग जाती है। रोज़ को तो कुछ समझ नहीं आता और नेक्स्ट मॉर्निंग उनसे पूछने पर वो कोई जवाब ही नहीं देती, इग्नोर कर जाती है सवाल को। रोज़ बहुत कोशिश कर रही थी अपनी यादों को वापस लाने की। उसे कुछ विजन्स तो दिख रहे थे सपने की तरह मगर उन्हें जोड़ नहीं पा रही थी वो, स्पेशली वो एक्सीडेंट वाली रात क्या हुआ था उसके साथ। डोरीन को भी ये जानना था। एक पॉइंट पर तो वो रोज़ पर चिल्लाने लगती है। रोज़ नोटिस करती है उनका बिहेवियर कभी कभी बहुत हिस्टेरिक हो जाता है, कभी अगर कुछ पसंद ना आए तो पागलों की तरह रिएक्ट करती है वो, तो कभी रोज़ पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आता है उन्हें। जैसे एक दिन नल से पानी बहता ही जा रहा था, बूंदों की आवाज़ से वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, गुस्से में उसका चेहरा ही बदल चुका था। और दूसरे दिन रोज़ की एक छोटी सी गलती पर वो उस पर हाथ उठाती है मगर अगले ही पल में उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो माफ़ी भी मांग लेती है। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह ख्याल रख रही थी वो रोज़ का, मगर उसके पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, बस उतना ही कह रही थी जितना उन्हें ठीक लगे। जैसे रोज़ जब उनसे पूछती है उसके दोस्त कौन है, उससे कोई मिलने क्यों नहीं आता, उसका फ़ोन कहाँ पर है, डोरीन काफ़ी अजीब जवाब देती है। कहती है उसे हॉस्पिटल से कोई फ़ोन नहीं मिला, शायद वो एक्सीडेंट में ही ख़राब हो गया होगा। और वो नहीं चाहती रोज़ किसी दोस्त से कॉन्टैक्ट करे, इससे उसके रिकवरी पर असर पड़ सकता है, उसे किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रहना होगा। लेकिन हाँ कल कोई आ रहा है उससे मिलने, उसके फियांसे जेमी, उससे मिलकर जरूर रोज को अच्छा लगेगा। उसका एंगेजमेंट हो चुका है, रोज को तो सुनकर ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, मगर जेमी से मिलकर उसे बुरा नहीं लगता, बंदा अच्छा है। उसे पता चलता है रोज एक बैंक में जॉब करती थी, वहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई थी आज से 4 साल पहले। वो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जेमी तो इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी था उसके साथ। रोज काफ़ी अपसेट हो जाती है, उसे जेमी याद नहीं, मतलब उसके दिमाग से 4 साल के सारे मेमोरीज डिलीट हो चुके हैं और पता नहीं क्या क्या भूल गई है वो। वो जेमी से अपने परिवार के बारे में जानने की कोशिश करती है मगर जेमी कहता है एक्सीडेंट से पहले वो कभी डोरीन से नहीं मिला, रोज ने कभी मिलवाया ही नहीं। लेकिन क्यों,
इसका जवाब डोरिन खुद ही देती है। कहती है, रोज हमेशा से एक फ्री स्पिरिटेड लड़की हुआ करती थी। किसी की बात मानना उसे पसंद नहीं था। हर बात पे डोरिन से उसका झगड़ा होता रहता था। ऐसे एक दिन वो घर से निकल गई किसी को कुछ बिना बताए। 10 साल तक उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। फाइनली एक्सीडेंट के कारण वो लोग फिर से मिल पाए, नहीं तो शायद आज भी वो लोग एक दूसरे से खफा ही रहते। रोज इनमें से किसी भी हादसे को याद नहीं कर पा रही थी। इवन डोरिन जब उसे उनकी चाइल्डहुड पिक्चर्स दिखाती है, उसकी फेवरेट डॉल जिसे बचपन में वो खुद से कभी अलग नहीं करती थी, उन्हें तक पहचान नहीं पाती वो। बस कुछ विशंस बार बार दिखाई देने लगे थे उसे, सालों पुरानी किसी धुंधली सी तस्वीर की तरह। कुछ चेहरे, कुछ बातें, एक घर, लेकिन वो कौन है वो रोज को याद नहीं आता। एक दिन वो जेमी से कहती है उसके दोस्तों को कॉल करने के लिए। उसे याद तो नहीं, मगर उससे बात करके शायद उसे कुछ याद आ जाए। लेकिन डोरिन को इसमें भी प्रॉब्लम थी। वो जेमी को रोक देती है और आगे कुछ ऐसा करने से स्ट्रिक्टली मना करती है। रोज और फोर्स नहीं करती। शायद डोरिन ठीक कह रही है, उसे रेस्ट लेना चाहिए, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर जो खालीपन वो फील कर रही थी, उसका क्या? जेमी उसके भावनाओं को समझ पा रहा था, एक अच्छे पार्टनर की तरह सपोर्ट कर रहा था वो रोज को, इस होप में कि एक ना एक दिन उसे अपना प्यार जरूर याद आ जाएगा। लेकिन उसके जाने के बाद रोज फिर से अकेली पड़ जाती थी। अपने माँ से उसका रिश्ता अभी भी ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसे समझ नहीं पा रही थी। रोज ने नोटिस किया है, वो हर रात उसके कमरे में आकर बैठी रहती है, बहुत अजीब तरह के क्रीपी गाना गाती है। होना हो उनके बर्ताव नॉर्मल तो नहीं है, कुछ तो छुपा रही है वो। एक दिन वो नोटिस करती है डोरिन अपने कमरे के शेल्फ्स को हमेशा लॉक्ड रखती है, एज इफ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है वहां पर, या फिर कुछ बहुत सीक्रेटिव। रोज डिसाइड करती है वो चेक करेगी। उसके पास जो डॉल है उसके पीछे एक हेयर पिन छुपा था, शायद उसी से वो लॉक खुल जाए। तो जैसे ही एक दिन डोरिन कुछ देर के लिए बाहर जाती है, रोज अपने काम पर लग जाती है। पहले तो बहुत मुश्किल से क्रॉल करते हुए अपने व्हीलचेयर तक जा पहुंचती है, उसके बाद घुस जाती है उस कमरे में। फॉर्चुनेटली उसका तरीका काम भी कर जाता है, उस क्लिप से ही ड्रॉयर्स खुल जाते हैं और अंदर से रोज को मिलता है एक फोन, शायद ये उसका ही है। वो जल्दी से उसे ऑन करके कॉल लिस्ट से एक नंबर पर डायल करती है। ये उसके दोस्त क्लारा का नंबर था। रोज उसे पहचान नहीं पाती, मगर उसके बातों से लग रहा था कि वो रोज की बेस्ट फ्रेंड है। वो कहती है उसके माँ ने उसे कॉल किया था एक्सीडेंट की खबर देने, मगर जब उसने रोज से मिलने की बात की उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया और उसके बाद कभी कॉन्टैक्ट भी नहीं की। रोज को ये भी पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट 2 महीने पहले नहीं, ऑलमोस्ट 4 महीने पहले हुआ था। और कुछ पता चलता इससे पहले उसका फोन ऑफ हो जाता है, चार्ज खत्म हो चुका था। रोज जल्दी से चार्जर को ढूंढने लगती है, मगर तब तक डोरिन घर पहुंच चुकी थी। उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और यहीं पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं। उस रूम से इस रूम में आना तो आसान था, मगर लौटना नहीं। बीच में एक स्टेप जो था जिससे उसके चेयर के व्हील्स बार बार टकरा रही थी। रोज बहुत कोशिश करके भी उसे पार नहीं कर पाती और जल्दबाजी में चेयर से गिर जाती है वो। किसी तरह खुद को खींच कर जा पहुंचती है बिस्तर के पास और चुपचाप बैठ जाती है हाथ में किताब लेकर। टेंशन में उसका हाल बेहाल हो चुका था, मगर वो दिखाती नहीं। डोरिन आती है तो बहुत ही प्यार से उसे वेलकम करती है, लेकिन डोरिन भी कम चलाक नहीं। रोज के व्हीलचेयर को अपने कमरे में देखकर उसे शक होता है। वो उससे पूछती भी है, मगर रोज डिनाई करती है बहुत ही इनोसेंट सा फेस बनाकर। बाल बाल बची थी वो, लेकिन इतना कुछ करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यह चार्जर इस फोन का था ही नहीं। मतलब उसे फिर से एक बार उस रूम में जाना ही होगा। वो मौके की तलाश करने लगती है। एक दिन रोज कायदे से डोरिन को बाजार भेज देती है लैंप खरीदने और फिर खुद जाती है चार्जर ढूंढने, जो किसी ड्रायर में नहीं था बल्कि बेड साइड टेबल में था। उसे निकालते वक्त रोज की नजर पड़ती है बेड के नीचे छुपे एक बॉक्स की तरफ। अंदर किसी के कपड़े थे जिस पर खून लगा था और साथ में कार कीज भी पड़े थे। रोज को तुरंत एहसास हो जाता है ये उसके हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर ऐसे छुपाए क्यों गए हैं? रोज ये सब सोचने में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे ख्याल ही नहीं रहता कब डोरिन उसके पीछे पहुंच चुकी थी। वो रोज पर चिल्लाने लगती है, उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है, मगर रोज नहीं मानती। उसे जानना था इस सब का मतलब।
बहुत फोर्स करने पर डोरियन कहती है एक्सीडेंट के रात रोज के साथ उसके गाड़ी में और भी कोई था जिसका खून हुआ था। उसका दोष रोज पर लग सकता था जो डोरियन नहीं चाहती थी। तो जब उन्हें पता चला उन्होंने सबसे पहले पुलिस से भी पहले इन चीज़ों को अपने पास छुपा लिया जिससे पुलिस इन्हें एविडेंस के तौर पर यूज ना कर पाए। उसने जो किया रोज को बचाने के लिए किया, उसे तो ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन रोज उसके बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, चाहकर भी नहीं। ऊपर से उसी रात एक बहुत अजीब सपना आता है उसे। वो देखती है बरसात की रात है और वो अपने गाड़ी में कहीं जा रही है। उसे घर भी दिखता है और घर के अंदर एक औरत भी जिसे वो माँ बुला रही थी। उन पर किसी ने हमला किया था जो कुछ देर बाद रोज पर भी झपट पड़ता है। डर से उसकी नींद टूट जाती है, मगर उसके दिमाग में एक पिक्चर बस चुकी थी उसके माँ की। अगर वो उसकी माँ है तो ये कौन है? रोज जल्दी से अपने फोन को चार्ज पे बिठाती है और फिर अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। उसके बेड साइड टेबल पर एक फोटो फ्रेम था। जब रोज उससे फोटो निकाल कर देखती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है। इस फोटो को फोल्ड किया गया था, एक साइड पे था डोरीन और दूसरे पे वो औरत जिसे उसने अपने सपने में देखा था। रोज कंप्लीटली ब्लैंक हो चुकी थी, इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो चुकी थी वो। ऐसे में आता है जेमी। रोज उसे भी वो फोटो दिखाती है और कहती है उन्हें पुलिस को फोन करना चाहिए, उसे लगता है ये उसकी मॉम नहीं है। कुछ बातें भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी। जैसे रोज को बताया गया था उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जेमी कहता है उसकी गाड़ी तो बाहर पार्क्ड है, सही सलामत। एक्सीडेंट तो बस उसका हुआ था, हिट एंड रन, एटलीस्ट उसे तो वही बताया गया है। इन बातों को सुनकर रोज और ज्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। तभी डोरीन जेमी को बुलाती है और रोज कॉल करती है क्लारा को, उसे फोटो दिखाती है और तब उसे पता चलता है उसका शक ही सच है। ये डोरीन उसकी मॉम नहीं, उसके मॉम की पड़ोसन है। वो है तो एक डॉक्टर, लेकिन वो काफी वियर्ड है। क्लारा को तो हमेशा से लगता था कि उन्हें खुद एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका दिमाग ठीक नहीं है। ऊपर से जब वो जेमी के जिक्र करती है रोज को एक और झटका लगता है। क्लारा उसे साफ साफ बताती है उसका कोई फियांसे तो दूर की बात है, उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। टेंशन में रोज का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। वो क्लारा से कहती है उसे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाने के लिए। कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पर जब उसके समझ से बाहर है। मगर उससे पहले ही जेमी उसे देख लेता है फोन पर बात करते हुए। उसका चेहरा ही बदल चुका था, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही क्रीपी लग रहे थे। इस बार जब रोज उससे पूछती है एक्सीडेंट के बाद वो लोग कहाँ मिले थे, जेमी कहता है इसी घर में, जबकि पहले उसने हॉस्पिटल में कहा था। ऊपर से वो पुलिस को कॉल करने से भी मना कर देता है क्योंकि रोज कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो रही है। कमरे में एंट्री होती है डोरीन की उसके असली रूप में और रिवील होता है इस फिल्म का क्लाइमैक्स। पता चलता है डोरीन को हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी, लेकिन हुआ बेटा जेमी। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। जब उन्हें पता चला रोज के अपने माँ के साथ नहीं जमती, उन्होंने प्लान किया कि उन्हें उसकी माँ की जगह ले ली जाए। उसकी माँ ऑलरेडी वल्नरेबल थी, इमोशनली बहुत ही वीक थी वो। तो बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मिसेस बेकर को अपने जाल में फंसाना मुश्किल नहीं था। वो बहुत ही जल्द हिप्नोटाइज्ड हो गए और डोरीन ने उन्हें स्टैब करके मार डाला। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन हाँ, उसने अपने बेटी को कॉल करके मदद मांगने की कोशिश जरूर की थी। कुछ बोल नहीं पाई, मगर रोज समझ गई थी कुछ गड़बड़ है। जब वो उस रात चेक करने गई, उसे पता चला वो डोरीन के घर में है और डोरीन के घर जाने पर उसे अपनी माँ घायल हालत में दिखी। ये वही सीन है जो बार बार वो अपने सपने में देखती आ रही है। इसके बाद बारी थी रोज की। उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, परफेक्टली फिट है वो, उसके लेग्स भी। डोरीन ने सिर्फ उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर रखी थी। उसका ये मेमोरी लॉस, लेग्स को फील नहीं कर पाना, ये दोनों ही ड्रग्स का असर है जो कुछ ही देर बाद मिट जाएगा। डोरीन उसे इतने प्यार से रोज जो चाय पिलाती थी वही तो है कल्प्रिट। ये सारा खेल उसी का है, उसके हिप्नोसिस और मेडिकेशन का जादू। उसने तो रोज के पिता को भी हिप्नोटाइज कर रखी है जिससे समय आने पर उनकी मेमोरी रिराइट करके एक परफेक्ट फैमिली बनाया जाए। रोज समझ नहीं पाती इन सब पागलपन का मतलब क्या है। रोज उसे ऐसा मदर कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, अपने सपने में भी नहीं। लेकिन डोरीन कहती है ये उसका प्लान भी नहीं था, बल्कि वो रोज के जरिए एक बेटी पाना चाहती है, मतलब उसे प्रेग्नेंट करके उसके बेटी को वो छीन लेगी। इसीलिए ही तो उसने जेमी को इंट्रोड्यूस किया, दोनों को करीब लाने की कोशिश की।
लेकिन रोज का दिमाग पूरा समय सेल्फ रिकवरी में इतना बिजी रहा, इसीलिए उनका प्लान फेल कर गया। अभी तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही एक रास्ता है। तो डोरीन वही करती है, जिम के स्पर्म्स इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रोज ये होने नहीं दे सकती थी, तो वो फाइट बैक करने लगती है। पहले तो एक फोटो फ्रेम से जेमी को मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद जब डोरीन उसे बाथरूम में ले जाकर पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, वो एक टूथब्रश को घुसा देती है उसके आंखों के अंदर। दर्द में वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तब तक उधर जेमी का होश लौट चुका था। अपनी माँ की हालत देखकर वो रोज पर झपट पड़ता है, उसका गला दबाकर चोक करके मारने की कोशिश करता है उसे। रोज उसे रोक नहीं पा रही थी, उतनी शक्ति नहीं थी उसके अंदर। ऐसे में उसके पिता उसकी मदद करते हैं। वो इतने देर से सब कुछ देख रहे थे, मगर हिप्नोटाइज्ड रहने के कारण कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अभी आंखों के सामने अपने बेटी को मरते देख उसने आप पर काबू कर लिया और एक ट्रे से जेमी के माथे पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। यही मौका था। रोज भागने की कोशिश करती है, क्लारा बस आती ही होगी। वो जैसे तैसे अपने व्हील चेयर पर जाके बैठ जाती है और उसका इंतजार करने लगती है। मगर उसे पता नहीं था डोरीन का होश वापस आ चुका है। वो अचानक ही रोज को पीछे से स्टैप कर देती है और फिर सीरी उसे धक्का दे देती है। कहती है पीठ के बल गिरने से सबसे ज्यादा भयानक मौत होती है। मगर रोज भी कम चालाक नहीं, वो गिरती तो है मगर डोरीन को साथ लेकर। एज द रिजल्ट चोट दोनों को ही लगती है। डोरीन बेहोश हो चुकी थी लेकिन रोज नहीं। शायद उसे पता था इस समय अगर उसने हार मान लिया तो उसका सेंस फिर कभी नहीं लौटेगा। उसके पैर हिल नहीं रहे थे, ड्रग का असर अभी भी चल रहा था, मूव करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी उसे। फिर भी वो चुप नहीं बैठी, किसी तरह खुद को खींच कर बाहर की तरफ ले गई और क्लारा ने उसे बचा लिया। द एंड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लॉजिकल पार्ट को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लुकआउट से अगर देखा जाए तो मुझे ये फिल्म पसंद आई है। वन टाइम वॉच के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है, आप देख सकते हो, उतनी बुरी भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।